साइंस सेवक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर ललित किशोर सिंह अपने आप में एक ऐसे विद्वान आदमी थे जिन्होंने भरत की श्रुतियों को या श्रुतियों को असमान सिद्ध किया। आधुनिक जो मत है उनके अनुसार प्रोफेसर ललित किशोर सिंह का नाम बहुत जोर शोर से आता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ध्वनि और संगीत में सेंट और सेवर सिस्टम के माध्यम से अपना ये काम किया। उन्होंने उसके हिसाब से दो तीन फरमाने गुरु स्वर लघु स्वर और सॉरी गुरुस्वर कोमा और लीमा, इसके अलावा लघु अर्थ स्वर। इन्होंने सप्तक के चार स्वर माने गुरुस्वर कोमा कोमा लीमा और लघु अर्थ स्वर। अब इन्होंने अपनी पुस्तक ध्वनि और संगीत में सेंट और सेवर्ड सिस्टम के माध्यम से ये सिद्ध किया कि श्रुतियां असमान थी। आज हम सेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक सेंट के नाम पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। इसमें प्रत्येक सप्तक के लिए 1200 सेंट्स माने गए। 1200 सेंट्स में चतुर्श्रुतिक स्वर के लिए 204 सेंट्स, त्रिश्रुतिक स्वर के लिए 182 सेंट्स और द्विश्रुतिक स्वर के लिए 112 सेंट्स माने गए। और इस तरह सा सा इस तरह से सप्तक इस तरह से बना सारे गमा पधनी 4-3-2 4-4-3-2 को 204 182 112 204 204 182 और 112 चतुर 4-3-2 4-4-3-2 इस तरह से इन्होंने ये सेंट सिस्टम्स को बांटा। अब सा से अगर प्रत्येक स्वर की दूरी देखी जाए तो सा से रे, रे से ग, सा से ग की दूरी, सा से म की दूरी, सा से प की दूरी और इस तरह से सा की दूरी जो बनती है वो लगभग 1200 जब हम इसको ऐड करते जाते हैं तो ये सा से सा की दूरी लगभग 1200 सेंट्स की मानी जाती है। अब इक्वली टेम्पर्ड स्केल के अनुसार इसको फिर बांट दिया गया। इसमें सबकी सारे 1200 में सारे सेंट्स को 100-100 सेंट्स दे दिए गए और इस तरह इसको सा कोमल रे कोमल ग शुद्ध ग म म प ध ध नी नी और सा सौ 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 इस तरह इक्वली टेम्पर्ड के स्केल के हिसाब से जो इनको बांटा गया वो 100-100 सेंट्स 1200 में बांट दिए गए और टोटल 1200 सेंट्स आए। लेकिन इस स्केल का प्रयोग जो किया जाता है वो हारमोनियम और पियानो वाद्यों के लिए किया जाता है क्योंकि यह षड्ज पंचम भाव पर यह निर्धारित नहीं है। इसमें सारे स्वरांतरों को औसत निकाल करके 12 स्वरों में बांट दिया जाता है, उसको इक्वली टेम्पर्ड स्केल कहते हैं। लेकिन इसका प्रचार प्रसार यूरोप में ज्यादा हुआ या पाश्चात्य देशों में ज्यादा हुआ और हमारा हारमोनियम वाद्य भी इसी इक्वली टेम्पर्ड स्केल के अनुसार है। तो मैंने आज समझाया आपको सेंट सिस्टम। एक बार फिर से बता दूं, सेंट सिस्टम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सेंट के नाम पर था। इसमें हर सप्तक के लिए 1200 सेंट्स माने गए, चतुर्श्रुतिक स्वर के लिए 204, त्रिश्रुतिक के लिए 182, द्विश्रुतिक के लिए 112 और इस तरह से 4-3-2 4-4-3-2 204, 182, 112, 204, 204, 182, 112। अब सा से प्रत्येक स्वर की दूरी जो थी वो इसमें काउंट करते गए। सा से रे की दूरी 204 और इसमें जब दूरी हम काउंट करते गए तो सा से मध्य सा से तार सप्तक की दूरी लगभग
1200 हुई। और इक्वली टेम्पर्ड की स्केल के अनुसार जो कि हारमोनियम और पियानो वाद्यों में किया जाता है, सारे अंतराल को लगभग 12 भागों में बांट दिया जाता है। उसके अनुसार सारे 1200 में 100-100 सेंस बांट दिए गए और इस तरह 1200 सेंस माने गए। धन्यवाद।